हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, विधि शासन का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। सरकार विधि सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, विधि शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्रोडाइशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, प्रोडाइसी के अनुसार विधि शासन का अर्थ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर चार कहता है, विधि शासन में अनेक बातें सम्मिलित हैं, जैसे प्रत्यायोजित विधायन का उचित प्रकाशन तथा उस पर प्रभावकारी नियंत्रण, यह कथन इनमें से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रोवेड से। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, निम्न में से किस विधि शास्त्री ने विधि शासन को उस प्रजातंत्र के समान बतलाया है जैसा कि वह उदार विचारधाराओं द्वारा समझा जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, आइवर जेनिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, विधि शासन का सारांश यह है कि सार्वजनिक अधिकारीगण विधि से प्रशासित हों, यह कथन संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रो गुड हार्ट से। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधि शासन को प्रवृत्तमान बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, शुभेश शर्मा बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, कि विधि विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय कमीशन नई दिल्ली में किस वर्ष बुलाया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1959 में। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है, मौलिक अधिकारों का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, भाग तीन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका संस्थित की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विधि शासन की संकल्पना सर्वप्रथम की गई थी। तो डाइसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 14 प्रावधान करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का सम्यक रूप से वर्णन करने का श्रेय किस विधि शास्त्री को जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कि सर्वप्रथम किसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है।
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मौलिक अधिकार क्या हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, वाद योग्य। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, आर्थिक समानता। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।